नमस्कार, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल टेक आर के विश्वा। यह दोस्तों रेडमी का नोट 10 टी या प्रो होगा, शायद यही मॉडल है दोनों में से कोई। और यह है दूसरे शॉप से, फ़ोन बिल्कुल ही डेड है, कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैटरी कितना चार्ज है दोस्तों वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो बैटरी खुलने तक चार्ज है, यानी कि ऑन होने तक चार्ज है, फ़ोन बिल्कुल ही डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे चार्जिंग केबल हम लगाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी रिस्पांस नहीं है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम होगा दोस्तों बिल्कुल ही सीपीयू से, क्योंकि ज़्यादातर X3, X2 ये जितने भी मॉडल हैं अभी के डेट में आ रहे हैं वो सारा का सारा डेड यहाँ से हो रहा है, ठीक है, इस सीपीयू से। तो इस सीपीयू को दोस्तों हम बाहर निकालेंगे और रिवॉल्विंग करके लगाएंगे, फ़ोन बिल्कुल ही ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको बाहर निकालते हैं, शॉर्टिंग वगैरह कहीं भी नहीं है, मैंने चेक कर लिया है यहाँ पे। तो पहले ना इस जाली को हमें यहाँ से कटिंग करना है, ठीक है। चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। चलिए अब इसको, इस जो MMC है इसको हमें हीट से बचाने के लिए टेपिंग करना पड़ेगा। चलिए हमने टेपिंग कर दिया दोस्तों यहाँ पे, अब इसको हम कटिंग करेंगे, ठीक है। सीपीयू को उतारने के लिए हमें कट लगाना पड़ेगा। चलिए इसको हमने क्लीन कर लिया, अब हम इसको सीपीयू को रिवॉल्व करना है दोस्तों। सीपीयू को हमने साफ कर लिया है जो पेस्ट है, वीडियो लंबा हो जाता है इस चलते हमने इसको स्टॉप कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अभी हमें बहुत सारा काम है, ठीक है। Thank you.
CPU का काम इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है ये, जरा सा आपको एक भी प्रिंट मिसिंग होगा तो ये फोन होगा ही नहीं, चलते बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। साफ हमने कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे अब हमें रिवॉल्विंग करना है, ठीक है सीपीयू। तो ये हमारा स्टेंसिल है, चलिए ये हमने रिवॉल्व कर दिया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देख सकते हैं बिल्कुल सही ढंग से हो गया हमारा रिवॉल्व। चलिए अच्छी तरीके से हमने रिवॉल्व कर लिया है इसको, अब हमें दोस्तों इसको लगा देना है, ठीक है। चलिए ये हमारा लग गया दोस्तों, ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम चेक करके इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए सफाई वफाई भी कर दिया है और क्लीन भी कर लिया है हमने, सीपीयू भी लगा दिया है, ठीक है। अब इसको दोस्तों चेक करते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से इसमें काम करना पड़ता है दोस्तों, बहुत ही बारीकी से काम करना पड़ता है, जरा सा आपको मिस्टेक होगा ये आपका काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो दो तीन चार मॉडल ऐसा है जो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें खास करके सीपीयू से प्रॉब्लम आता है, ना कि आपका ये पावर आईसी डैमेज होता है या और कुछ होता। हाँ बैटरी डैमेज हो तब मान सकते हैं इधर उधर फॉल्ट हो सकता है, लेकिन अगर ऑटोमेटिक ऑफ हुआ है फ़ोन तो ये आपका सीपीयू से ही प्रॉब्लम होता है। तो सारा चीज़ हमने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसको पहले चार्जिंग पे लगाते हैं। तो हमारा फ़ोन सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। वो रिपेयर नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टच वगैरह सारा काम कर रहा है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इधर कोई भी छेड़खानी नहीं करना है आपको, ठीक है। सिर्फ सीपीयू को रिवॉल्व करना है और फोन बिल्कुल ओके हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।